हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने देखो सीखो चैनल में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एग्जाम 2018 में बीकॉम पार्ट सेकंड के कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सोल्व करते हैं। फॉर द अवेलेबल फ्लोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अकाउंट अज्यूमिंग दैट ईच आइटम ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू पास थ्रू ऑल द थ्री प्रोसेस टिल इट्स कंप्लीशन एंड also prepare a statement of profit for the year ending 31 March 2013. Process first, second, third हमें दी है, raw material दिया है, direct wages दी है हमें, works overhead की amount दे रखी है, normal loss on input percentage हमें दिया है, normal losses का, sale of scrap दी है at the rate rupees 25 per kg, 100 kg, 80 kg और 20 kg, selling price per kg दी हमें 50 रुपए, 100 रुपए और 150 रुपए, two-third of article process in process first and one half in process second were transferred to the next process and the balance were sold. Management expenses amounted to rupees 5000 and selling expenses 7000. ये हमें क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन का हमें process first, process second और process third account बनाना है और उसके बाद हमें एक statement of profit भी तैयार करना है। दोस्तों, क्वेश्चन का solution शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट। यह हमारा प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, पर्टिकुलर केजी अमाउंट, पर्टिकुलर केजी अमाउंट, इस तरह का इसका प्रारूप बनाएंगे और आगे जो भी प्रोसेस फर्स्ट से संबंधित जो भी लेन देन है वो हम यहाँ दिखाएंगे। खर्चों को डीआर में दिखाएंगे और इनकम को सीआर में दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया रो मेटेरियल, उसके बाद यह डायरेक्ट वेजेस और वर्क्स अवरहेड। चलिए लिख देते हैं। टू रो मेटेरियल एट द रेट रुपीज 20 रुपए पर केजी, 2000 केजी हम मेटेरियल इनपुट किया है प्रोसेस फर्स्ट में और 20 रुपए की रेट से तो वैल्यू आ गई, इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 40000। उसके बाद हमें दिया डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद हमें दिया वर्क्स अवरहेड, वर्क्स अवरहेड। चलिए अमाउंट देख लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस तो 30000 है और वर्क्स अवरहेड 6300। चलिए यहाँ बता दीजिए 30000 और 6300। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया नॉर्मल लॉस इन इनपुट 5%। चलिए यहाँ बता दीजिए बाई नॉर्मल लॉस, लॉस इनपुट का, इनपुट का कितना 5%। आपने कितना इनपुट किया है 2000 इकाई इनपुट की है और जिसका हमें कितना लेना है 5% निकाला है। चलिए 2000 का 5%, 2000 का 5% निकालिए कितना आ रहा है 100 केजी, और 100 केजी की जो सेल वैल्यू है कुछ है नहीं तो नील यहाँ नील बता देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेल ऑफ स्क्रैप 25 रुपए पर केजी 100 केजी। चलिए बता दीजिए भाई सेल ऑफ स्क्रैप एट द रेट रुपीज 25 रुपए, कितना केजी बेच रहे हो 100 केजी, तो 100 केजी को बेचोगे बाजार में तो आपको कितना मिलेगा 2500। तो यहाँ बता देंगे 2500, समझ में आगे बात, तो 100 × 25 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट इसका योग कर लेते हैं, यहाँ पर जो साइड ज्यादा है इस डीआर साइड ज्यादा है, चलिए योग कर लीजिए इसके डीआर साइड का, योग आएगा कितना 2076300 और यहाँ बता दीजिए 2076300। घटाने पर 2000 में से 200 रुपए घटाने पर 1800 केजी और 76300 में से 2500 घटाने पर 73800 रुपए वैल्यू आ गई और ये आ गया हमारा बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बैलेंसिंग, बैलेंसिंग फिगर सीडी, बैलेंसिंग फिगर सीडी। इसका मतलब ये है कि प्रोसेस फर्स्ट में हमने कितनी इकाइयां बनाई है, 1800 केजी का हमने प्रोडक्शन किया है और 1800 केजी की टोटल कॉस्ट कितनी है 73800 रुपए। चलिए अब यहाँ पर 73800 जो कॉस्ट आई है टोटल, उसकी कॉस्ट पर यूनिट ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ज्ञात कर लीजिए 73800 भाग 1800 केजी बराबर रुपीज 41, 41 रुपए पर केजी, ठीक है। चलिए अब इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बीडी, कितना
1800 केजी और जिसकी लागत 73,800 रुपए जिसकी लागत है। ठीक है, अब इसका हमने प्रोसेस फर्स्ट में 1800 केजी हमने प्रोडक्शन किया है, इसका कुछ हिस्सा हम प्रोसेस सेकंड में ट्रांसफर करेंगे और कुछ को हम बाजार में बेच देंगे। चलिए देख लेते हैं प्रोसेस सेकंड में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ दिया 2/3 ऑफ आर्टिकल प्रोसेस इन प्रोसेस फर्स्ट एंड 1/2 इन प्रोसेस सेकंड वर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड बैलेंस वर सोल्ड। ये बोला कि प्रोसेस फर्स्ट का जो भी आपने प्रोडक्शन किया उसका 2/3 भाग अगली प्रक्रिया में ट्रांसफर करना है और बैलेंस को हमें बाजार में बेच देना है, 2/3 भाग। चलिए बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट ट्रांसफर। चलिए ज्ञात कर लेते हैं कितना हिस्सा हम ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए 1800 केजी हमने माल बनाया है, इसका 2/3 भाग बाजार में ट्रांसफर कितना करना है, 2/3 भाग को बाजार में ट्रांसफर करना है और प्रोसेस सेकंड में ट्रांसफर करना है। एट द रेट रुपीज किस रेट से ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस सेकंड में, प्रोसेस फर्स्ट का जो आउटपुट है प्रोडक्शन है वो प्रोसेस सेकंड में हम किस रेट से ट्रांसफर करेंगे, जिस रेट से हमने प्रोसेस फर्स्ट में बनाया है उस रेट से ही हम अगली प्रोसेस को ट्रांसफर कर देंगे। प्रोसेस फर्स्ट में हमने किस रेट से बनाया है, 41 रुपए लगेंगे प्रोसेस फर्स्ट में प्रोडक्ट को तैयार करते समय, तो किस रेट से हम ट्रांसफर कर देंगे अगली प्रोसेस को, 41 रुपए के रेट से हम ट्रांसफर कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम याद कर लेते हैं 1800 × 2/3 तो कितना केजी हम ट्रांसफर करेंगे, 1200 केजी, और 1200 केजी को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट कितने आ जाएगी, 49,200। अब जो बैलेंस जो बच गया उसको हम बाजार में बेच देंगे बाई सेल। कितनी कायम बेचेंगे, 8 रेट रुपीज, चलिए देख लेते हैं कितनी कायम बेच रहे हैं, कितने रेट से बेच रहे हैं, 50 रुपए के रेट से हम बेच रहे हैं। चलिए बता दीजिए 50 रुपए पर केजी, कितना केजी माल बेचोगे, 1200 केजी तो हम ट्रांसफर कर देंगे और बैलेंस जो बचेगा चेस जो बचेगा उसको हम बाजार में बेच देंगे। तो 1800 में से हम 1200 तो ट्रांसफर कर रहे हैं तो 600 हम बाजार में बेचेंगे, और किस रेट से बेचोगे बाजार में, 50 रुपए की रेट से बेचेंगे, तो 600 × 50 कितना वसूल होगा बेचने से, 30,000 रुपए वसूल होगा। चलिए इसका हम योग कर लेते हैं, इसकी DR साइड ज्यादा से CR साइड ज्यादा है, योग करने पर इसकी वैल्यू आ गई 1800 और ये आ गया 89,200। चलिए यहाँ बता दीजिए 1800 दोनों साइड लिख देंगे 1800 और 89,000 कितना है, 200। चलिए अब डिफरेंस 1800 ये बराबर है, डिफरेंस कितना आया 89,200 × 200 तो 5,400, ये आ गया हमारा प्रॉफिट। प्रोसेस फर्स्ट में हमें कुल कितना प्रॉफिट कमाया है, 5,400, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट हम किस में ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग P&L में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,400 बैलेंस शीट फिगर। चलिए इस अकाउंट को हम यहां से बंद कर देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस सेकंड अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस सेकंड में मटेरियल कहां से जाएगा, प्रोसेस फर्स्ट से कितना, 1200 केजी 49,200 रुपए की रेट से प्रोसेस सेकंड में इनपुट किया जाएगा। चलिए प्रोसेस सेकंड अकाउंट हम बना लेते हैं, यह है प्रोसेस सेकंड अकाउंट, पर्टिकुलर केजी अमाउंट ये इसका प्रारूप है और इसमें हम इनपुट करेंगे, किस से इनपुट होगा, प्रोसेस सेकंड में माल कहां से आएगा, प्रोसेस फर्स्ट से, तो लिख दीजिए टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट 1200 केजी जिसकी लागत कितनी है। चलिए प्रोसेस फर्स्ट में देख लेते हैं इसकी लागत कितनी है, 1200 केजी की लागत कितनी, 49,200। तो चलिए यहां बता दीजिए 49,200 रुपए इसकी कॉस्ट है, प्रोसेस सेकंड में ये माल आ गया। अब प्रोसेस सेकंड के जो भी खर्चे हैं वो हम टू साइड में हम 1/1 शो करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन खर्चे, एक तो है डायरेक्ट वेजेस 17,800 और एक है वर्क ओवरहेड 3,000। चलिए बता दीजिए टू डायरेक्ट वेजेस, उसके बाद टू वर्क ओवरहेड, चलिए देख लेते हैं कितना कितना, 17,800 × 3,000, चलिए यहां बता दीजिए 17,800 × 3,000। ठीक है जी, इतने खर्चे जो हमने यहाँ शो कर दिए। उसके बाद है नॉर्मल लॉस, कितना है 10% किसका, इनपुट का। चलिए बता दीजिए भाई नॉर्मल लॉस बाई लॉस 10% इनपुट का, आपने इनपुट कितना किया 1200 × 10% 120 केजी हमारा नॉर्मल लॉस हो गया और इसको बाजार में बेचने से हमें कोई राशि वसूल नहीं होगी, तो नील। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया है
सेल ऑफ स्क्रैप 80 केजी को हम बेचेंगे 25 रुपए की रेट से, तो बाय सेल ऑफ स्क्रैप एट द रेट रुपीज 25 रुपए, 80 केजी हम बेच रहे हैं तो 80 × 25 तो अमाउंट आ गई हमारी 2000, 2000 रुपए में इसको हम बाजार में बेच देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, अब हम यहाँ पर योग करें इसकी कौन सी साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा है, चलिए हम इसकी डेबिट साइड का योग कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का योग आ गया कितना, 1270 हजार, इसका योग है 1270 हजार, चलिए यहाँ बता दीजिए 1270 हजार। अब 1200 में से हम घटा देंगे कितना, 200 घटा देंगे तो कितनी क्वांटिटी बचेगी हमारे पास, 1000, और 70 हजार में से 2000 घटाने पर वैल्यू कितनी आ रही है, 68000, ये आ गया हमारा बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन बैलेंसिंग फिगर सीडी। प्रोसेस सेकंड में हम कितनी इकाइयां बनाएंगे, 1000 इकाइयां बनाएंगे और जिसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 68000 रुपए कॉस्ट आएगी। चलिए हम कॉस्ट पर यूनिट यहाँ ज्ञात कर लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट रहेगी 68000 भाग 1000, तो बराबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, 68 रुपए कॉस्ट पर यूनिट, रुपीज 68 पर केजी। इसमें कॉस्ट हमारी कितनी आएगी, 68 रुपए एक इकाई को बनाने में प्रोसेस सेकंड में खर्चा आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब इसको हम यहां से बंद कर देते हैं। नेक्स्ट, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बीडी कितना, 1000 क्वांटिटी है और 68000 इसकी लागत है। अब इसका 1000 में से कुछ हिस्सा हमें प्रोसेस थर्ड में ट्रांसफर करना है और कुछ हिस्से को हम बाजार में बेच देंगे, तो लिख दो भी बाई प्रोसेस थर्ड अकाउंट ट्रांसफर, ट्रांसफर। चलिए कितना आप ट्रांसफर करें, चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रोसेस सेकंड का 1/2 हिस्सा हम ट्रांसफर, 1/2 1/2 मतलब 50% हम प्रोसेस थर्ड में ट्रांसफर करेंगे और 50% हम बाजार में बेच देंगे। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, 1000 का 50% कितना होता है, 500 क्वांटिटी हम प्रोसेस थर्ड को ट्रांसफर कर देंगे। किस रेट से ट्रांसफर करोगे, जिस रेट से प्रोसेस सेकंड में हमने बनाई है, प्रोसेस सेकंड में हमने कितनी, किस रेट से हमने बनाई है, 68 रुपए की रेट से हमने प्रोसेस सेकंड में आउटपुट किया है, तो 500 × 68 रुपए से हम ट्रांसफर कर देंगे 34000 और बैलेंस क्वांटिटी है वो हम बाजार में बेच देंगे। चलिए थोड़ा सा इसका वर्किंग नोट बना देते हैं यहाँ पर, कितना 1000 क्वांटिटी है इंटू 1/2 तो और एट द रेट रुपीज 68, ये इसका वर्किंग नोट होगा। ठीक है, नेक्स्ट बाई सेल्स एट द रेट रुपीज, किस रेट से हम बेचेंगे, चलिए देख लेते हैं, 150 रुपए की हम रेट से बेचेंगे, जी बता दीजिए 150 प्रोसेस प्रोसेस सेकंड है ना, प्रोसेस सेकंड हम किस रेट से बेचते हैं, 100 रुपए के रेट से हम यहाँ बेच रहे हैं रुपीज 100, चलिए देख लीजिए कितनी क्वांटिटी बेचोगे बाजार में, 500 और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50000 रुपए बेचने से हमें राशि प्राप्त होगी और इसका हम यहाँ पर योग कर देंगे। इसकी सीआर साइड ज्यादा है, सीआर साइड हम यहाँ पर योग करेंगे 1000 और 84000, चलिए यहाँ बता दीजिए 1000 और 84000, 1000 1000 योग बराबर है और 84000 में से कितना घटा देंगे, 84000 में से 68000 हम 68000 रुपए घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 16000। प्रोसेस सेकंड में कुल कितना लाभ कमाया है, 16000, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया प्रोसेस सेकंड का प्रॉफिट। चलिए इसको हम यहां से बंद कर देते, अब हम बनाएंगे प्रोसेस थर्ड, प्रोसेस थर्ड में हम ट्रांसफर करेंगे किससे, प्रोसेस सेकंड से कितना, 534000 रुपए। चलिए प्रोसेस थर्ड में चलते हैं, टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट 500 क्वांटिटी है और 34000 रुपए की लागत से इसमें हम ट्रांसफर करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलिए चेक कर लेते हैं, 500 × 500 है और उसकी वैल्यू 34000 है, देखो भी यहाँ पर कितना 500 केजी है और 34000 रुपए इसकी टोटल वैल्यू। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद प्रोसेस थर्ड के जो भी खर्चे हैं हम यहाँ 1/1 बता देंगे, टू डायरेक्ट वेजेस और टू वर्क्स ओवरहेड। चलिए देख लेते हैं, हमारे प्रोसेस थर्ड का डायरेक्ट वेजेस है 5000 और ओवरहेड है 3300, चलिए बता दीजिए आपको 5000, ये हो गया 5000 और ये हो गया 3300। नेक्स्ट, उसके बाद इसमें बाय नॉर्मल लॉस, किसका इनपुट का,
चलिए देख लेते कितना नॉर्मल लॉस है, 20% है इनपुट का, 20%। हमने इनपुट इसमें कितना किया, 500 केजी इंटू 70%, 500 केजी का कितना लेना हमें, 20%। तो 500 केजी का 20% चलिए निकाले थे, 500 × 20% जो कि आया 100 केजी। 100 केजी को बाजार में बेचेंगे तो इससे कोई राशि हमें वसूल नहीं होगी। नेक्स्ट हमें दिया है सेल ऑफ स्क्रैप, 20 केजी हम स्क्रैप को बेच देंगे 25 रुपए की रेट से। चलिए बता दीजिए भाई सेल ऑफ स्क्रैप एट द रेट ₹25 पर केजी। कितना केजी बेच रहे हो, 20 केजी हम बेच रहे हैं और रेट किस रेट से, 25 रुपए की रेट से। तो 20 × 25 ₹500 हम इसको बेच देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई सूचना है नहीं और अब इसका जो इसकी जो है डीआर साइड ज्यादा है। चलिए डीआर साइड का यहाँ योग कर देंगे जो कि आया 542,300। बता दीजिए यहाँ पर 542,300। अब 500 में से हमें लेस करना है कितना, 120। 500 में से 120 घटाने पर 380 केजी और 42,300 में से हमें कितना लेस करना है, 500। तो कॉस्ट कितनी आ गई, 41,800। इसको बता देंगे बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैलेंसिंग फिगर सीडी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बैलेंसिंग फिगर सीडी। 380 केजी हमने प्रोसेस थर्ड में आउटपुट किया है और कितनी लागत पर, 41,800 पर हमने इसको इकाइयों को बना लिया। अब हम यहाँ बता देंगे कॉस्ट पर केजी, इस प्रकार से ज्ञात करेंगे 41,800 में किसका भाग दे देंगे, 380 केजी का भाग देने पर हमारे पास कॉस्ट पर केजी आ जाएगी रुपी कितना, 110 रुपए। कितना आएगा अभी, 110 रुपए। चलिए आप इस अकाउंट को यहां से हम बंद कर देते हैं, ये लो बंद कर दिया इसको। अब नेक्स्ट कंटिन्यू टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बीडी, कितना 380 और वैल्यू कितनी, 41,800। चलिए अब प्रोसेस थर्ड लास्ट प्रोसेस है, अब इसका हम किसी अगली प्रोसेस में ट्रांसफर करना नहीं है इसका प्रोडक्शन, और हम बाजार में बेच देंगे बाई सेल्स एट द रेट रुपी। चलिए देख लेते किस रेट से हम बेचेंगे, 150 रुपए की रेट से हम बाजार में बेच देंगे। कितनी क्वांटिटी, जितनी है उतनी सारी सारी बेच देंगे, कोई क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं हमारे पास, 380। तो 380 क्वांटिटी किस रेट से बेच रहे हैं, 150 रुपए की रेट से बेच रहे हैं। तो कुल राशि हमें मिलेगी कितनी, 57,000। चलिए इसका इसकी जो साइड है वो सीआर साइड इसका इसकी ज्यादा है, 380 और 380 टोटल आगे 57,000 डिफरेंस 57,000 में से 41,800 बढ़ा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15,200। यह आ गया टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फी 15,000। चलिए प्रोसेस थर्ड को हम यहां से बंद कर देते हैं, ये प्रोसेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। नेक्स्ट हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग फॉर द ईयर वर्ष के लाभ की गणना। चलिए याद कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहां लिखना प्रोसेस प्रॉफिट और यहां बताना प्रोसेस फर्स्ट, उसके बाद प्रोसेस सेकंड, उसके बाद प्रोसेस थर्ड। प्रोसेस फर्स्ट से जो लाभ कमाया है, सेकंड से कमाया है, थर्ड से कमाया है, चलिए देख लेते हैं प्रोसेस फर्स्ट में कितना कमाया है। प्रोसेस फर्स्ट में हमने कुल लाभ कमाया 5,400। चलिए बता दीजिए 5,400। अब देखते हैं प्रोसेस सेकंड में कुल लाभ कितना कमाया है। प्रोसेस सेकंड में हमने कुल लाभ कमाया 16,000। चलिए बता दीजिए 16,000 रुपए। उसके बाद प्रोसेस थर्ड में हमने कुल जो लाभ कमाया है, प्रोसेस थर्ड में हमने कमाया 15,200 रुपए। चलिए बता दीजिए 15,200। उसके बाद ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 15,200 प्लस 16,000 प्लस 5,400 36,600। इसमें से हम लेस कर देंगे लेस एक्सपेंसेस जो कि है, चलिए देख लेते कौन कौन से एक्सपेंसेस है। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 5,000। नेक्स्ट है सेलिंग एक्सपेंसेस 7,000। टोटल आ गया 12,000। यह आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग। चलिए देख लेते हैं कितना है नेट प्रॉफिट। 36,000 में से 12,000 घटा देंगे
तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 24,600। प्रक्रिया में हमने कुल जो लाभ कमाया वो 24,600 रुपए का कमाया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।